टेटसरा का फुना हाउ कई बजूनी हजे टूट जाने गुना ए दिल का तेरी लंबी लटी टसरा का फुना हाउ कई बजूनी हजे टूट जाने गुना न्यू ब्लॉग तो दोबारा आज हम एक और अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग होने आ रहा है वो होने वाला है हमारा देवभूमि का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्लॉग। आज हमारा देवभूमि का यहाँ फाउंडेशन डे है, तो अभी आर के हम फिलहाल यहाँ विश्वविद्यालय पे, अभी विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पे पीछे फूड बस है, अभी वहाँ चल के आपको एक करके सारी चीज़ दिखाएंगे, क्या क्या स्टॉल्स है, क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, ओपन डीजे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। थोड़ी बहुत लोगों की बेइज्जती भी होगी, वो क्या होगी आप आगे ब्लॉग में बने रहना, देखते रहना। तो अभी फिलहाल याद है चलते हैं, शंकरलाल हॉल में प्रोग्राम है, वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या हो रहा है करके। तो अभी फिलहाल याद है चलते हैं। अब तो दगड़ियों आलम फिलहाल पहुँच गई था शंकरलाल हॉल में, ये छो सामने था प्रोग्राम हम भतेर जावे तुमके दिखानू के हम, ये छो था शंकरलाल हॉल और भतेर हम था प्रोग्राम। तो भतेर इटबे एक चीज़ दिखुल तुमको के हम प्रोग्राम में, तो ये देखो इतना ओपन डीजे लग रहा हो, तो आल दिखानू तुमके एक चीज़ के हम था। आपको दिखाते हैं इधर स्टॉल्स वगैरह लग रखी हैं, क्या क्या चीज़ की स्टॉल्स हैं एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो ये सूट वगैरह की स्टॉल लग रखी है, इधर इधर लग रखी है ये, यहाँ मडवे के बिस्कुट वगैरह खान पान इधर स्टॉल लग रखी है इधर, और इधर वाली खाली पड़ी है, उधर प्रोग्राम हो रहा है। आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या लगा है, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं इधर ये भेलपूड़ी की भैया ने लगा रखी है मस्त करके, और आगे क्या हो रहा है इधर कुछ बढ़िया सा दिखाई। देखो इधर पेंटिंग्स वगैरह हैं इस चीज़ की लग रखी है, वॉल आर्ट वगैरह की, और इधर लग रखी हैं आप पहाड़ी पिछौड़े वगैरह उत्तराखंड के जो भी होते हैं। तो उसके बाद आप पेंट करके और भी सारी फिलहाल अभी यहाँ सेवरन खेल लिया है गेम, नहीं गया ₹10 बर्बाद करके आ गई। अब दिखाते हैं यहाँ फिलहाल अभी राहुल भाई भी आ चुके हैं, अभी मस्त करके डांस वांस करेंगे साथ में और सारे दोस्त भी यहीं पे हैं, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए, अभी हम स्टॉल के लिए घूम रहे हैं, मतलब स्टॉल देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी अच्छा लगा हम लेंगे। आपको तो हमने दिखाई दिए वैसे भी स्टॉल्स, और ये देखो ये इधर ऐसे घूम रहे हैं, और भी जो भी होगा अभी डांस अभी यहाँ पे ढोल डमो भी है और डीजे भी है, और मतलब उसमें हिमाचली 10 मिनट चल रहे हो, 10 मिनट गढ़वाली और घुमाऊनी। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे फिलहाल अभी यहाँ घूमते घूमते हैं स्टॉल्स वगैरह। आगे वहाँ फोटो बूथ भी दिख रहा है एक मेरे को, एक करके सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराएंगे जो भी हम कर रहे हैं ये व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाल फिलहाल हम इतना आ रहे हैं, हमके मिल गई आशु है जी, आशु फन टीवी ना यूट्यूब चैनल से तुम देख रहे हो। तो भैया तुमको कैसे लगा हुआ यहाँ पे? अरे बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करी, जितना मेरे बहुत खुशी होने की मतलब ये स्टूडेंट लोग कितना बढ़िया अरेंजमेंट करी, उनको ना ढोल भी बजना चाहिए, ना स्टॉल भी लगे चाहिए, और बहुत बढ़िया जयपुर संस्कृति आप लोग प्रेजेंट करना चाहो, बड़ी सौभाग्य की बात है। आशु आज आ रही था और तुम पहली बार आ रही था नहीं, एक बार पहले रात्रि कौन थी वो हम लोग करा रही थी, मतलब करा रही थी हम दोस्त दगड़ी में, हम प्रताप बिहार में रहूँ, और ये ला आ गई था एक और दगड़ी हमारे ढोल है, ढोल दमो
बनी रहो ब्लॉग में, आगे बहुत मस्त चीज दिखुल तुमके, जो हर ब्लॉग में तो बनी रहो और देखो। जानना चाहते हैं कि जैसे हमने देवभूमि फैमिली तो यहाँ बरार के, तो कितने लोगों को अपनी देवभूमि हिमाचल के बारे में पता है? थोड़े रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं लोग कितना जानते हैं थोड़े बहुत अपने उत्तराखंड के बारे में। पूछते हैं, हमें एक ग्रुप मिल रखा है इनसे पहले। आप में से कौन कौन पहाड़ी है? तुम्हारा कौन नाम? कैसे और को जिला मैम? टीरीगढ़ वालों भैजी कुमार कुमारती कुमारती को जिला मैम कुमारती अल्मोड़ा पास अल्मोड़ा अरे मेला अल्मोड़ा बच्चों। और तुम्हारे कौन नाम कैसा? बॉडी ये छे तुमको मैं बता देना, ये छे हमारे देवभूमि प्रेसिडेंट। तो अब इन पे थोड़ा क्वेश्चन पूछने पूछने की थोड़ा तेज। हाँ आवाज नहीं आ रही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैन दोनों है। देहरादून और गैरसैन तो दी राजधानी थी। उमे समर वा कुछ और विंटर वा कुछ टोटल 13 जिले थे उत्तराखंड में। पिछौड़ा चलो बढ़िया। तो और इधर इधर और ले घूमने और दो और जितना आ रही मिल लूँ और उन्हें मैं पूछूँ के हरा उनको कि तो अच्छा अपने उत्तराखंड के बारे में। तो अभी फिलहाल हमको एक और यहाँ मिले हैं कोई, इनसे पूछते हैं कि हम एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उत्तराखंड में हम थोड़ा पलायन को रोक सकें? पहली बात तो ये है, जैसे सबको पता है कि एक बहुत फेमस चीज़ बोली जाती है कि अब सड़कें गांव में जा रही हैं जब गांव के लोग सब बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, क्यों जा रहा है? क्योंकि पैसों की कमी है, रोजगार नहीं है जी, लोग इस चीज़ की नींव पूरी बाहर करने जा रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट हमारे गाँव में हमारी जगह में पहुँच जाता तो हम क्यों बाहर दूसरी जगह जाएंगे? बस यही चीज़ है, उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। जो ये इलेक्शन हो रहे हैं इसमें, पर हम एक चीज़ ये भी देखें, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है तो उससे थोड़ा बहुत हमारा नुकसान भी होता है उत्तराखंड में। उसके लिए हम मतलब, तो फिर हम क्या करें? जैसे आप बोले ना एम्प्लॉयमेंट होता तो थोड़ा बहुत, जैसे भी आपने देखा होगा जोशीमठ में, उसमें अगर वो जो भी काम हो रहा है वहाँ NTPC की टनल बन रही है तो उसके लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ लोगों को मिला, बट उससे जो वहाँ नुकसान हुआ लोगों के घर वार टूटे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आप प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब किए भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट। जैसे कुछ बताना चाहोगे हमारे रुकती में बहुत सारी सीट्स आती हैं लेकिन उनमें 50-40% तक धांधलियाँ होती है जो कि उत्तराखंड में एक बार ही पाया जाए। अगर ये चीज़ें कम हो जाए जो कि अब हो रही है और इनमें फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पोटेंशियल रखते हैं जिनके अंदर है पोटेंशियल वो सीट्स मिलेंगी और गाँव के लोग देखा
देखा जाए तो बहुत मेहनत ही होते हैं, लेकिन उन्हें मौके कम तो मौके कम मिलते हैं क्योंकि उनकी पहचान ज़्यादा होती नहीं है, और अगर मेहनत करते हैं तो उनकी सीट कोई ले जाता है। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम वहाँ से आ चुके हैं। जो भी थोड़ा बहुत था आपको हमने दिखाया, जो भी था आपने होप इंजॉय करा होगा। फिलहाल चलते हैं आगे, दोस्त वगैरह मेट्रो स्टेशन में वेट कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी नई वीडियोज आएँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। और हाँ, कॉमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने ड्यू के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और ताकि उनको ही पता लगते रहे कि ऐसे फर्स्ट ड्यू में होते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी सुनो।